तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गणपति व्लॉग पे। और जैसा कि आपको मैंने बता रखा है, दो तीन रेसिपी पहले भी शेयर कर रखी हैं। तो ये है कच्ची हल्दी, और आज हम बनाएंगे हल्दी की हेल्दी सब्जी, जो कि सर्दियों में बहुत ही शौक करके खाई जाती है। तो इसके लिए मैंने पाव भर हल्दी ले ली है। ये पाव ही लेती हूँ अभी, क्योंकि 2 4 दिन हमें खाना है तो बच्चे तो खाते नहीं हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। तो इसको मैंने ये छिलके उतार दिए हैं, जो ऊपर के छिलके होते हैं ये निकाल करके इसको इस तरह से निकाल दिए हैं। और ये जो प्योर हल्दी है छिलके बिना, उसको मैंने इस तरह से छील लिया है। और अब हम इनको करते हैं कद्दूकस। हल्दी को कद्दूकस करने के लिए मैंने ये ले लिया है, घिया कस जैसे होता है, अदरक कसने का या घिया कसने का। तो इस तरह से देखो, ये मैंने इतनी, ये जो हल्दी है इतनी कस कर ली है, और अब ये बाकी कस कर लूँगी इस तरह से आपको कस करके। और इसको पेस्ट, ये जो हल्दी है इसको कस कस करके रखना है, और इसके बाद आगे का प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने इसको पूरी को क्रश कर लिया है। ये मैंने ली है करीब 250 ग्राम, मतलब पाव भर, और इसके लिए इसको क्रश कर लिया है। और ये है प्याज, मिर्ची, लहसुन और अदरक का पेस्ट, और ये हम बाद में डालेंगे इसलिए इसका कट नहीं किया है। टमाटर, दही, मटर और हरा धनिया, और ये अपना मसाला है। उसके बाद ये सब लेने के बाद में मैं आपको आराम से बता रही हूँ। तो प्याज है हमारा, मिर्ची और अदरक और लहसुन का पेस्ट, और हरा धनिया, मटर और दही, और टमाटर हम बाद में काम में लेंगे। इस ये सारा मसाला ले लिया है। इसके अलावा सूखा मसाला में मिर्ची, हल्दी अपनी है ही, और ये है मेथी, और ये धनिया, ये हम बाद में लेंगे। पहले हम 200 ग्राम के करीब ये ले लिया मैंने। और जो गैस की फ्लेम है वो कर देते हैं ऑन। गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, और इस तरह से देखो, और जब तक घी अपना गर्म होता है तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। घी कुछ ज़्यादा लेना है, क्योंकि ये तासीर वाली सब्ज़ी होती है और हल्दी में बहुत ज़्यादा तासीर होती है। रोगों से लड़ने की क्षमता सबसे ज़्यादा जो होती है वो हल्दी में होती है। इसलिए आज जो हम हल्दी की सब्ज़ी बना रहे हैं उसके अंदर भरपूर मात्रा में तासीर होती है। ये रोगों से लड़ने की क्षमता को हमारी बढ़ाती है, मतलब इम्यूनिटी पावर जो होता है वो सबसे ज़्यादा हल्दी में होता है। इसलिए आज हम आपको हल्दी की सब्ज़ी बना के बताते हैं। अब घी मेरा आ चुका है, गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं आधी स्पून जो है मेथी की डाल दूँगी, और आधी स्पून मैं राई की डाल दूँगी, और आधी स्पून ही जीरे की डाल दूँगी। ये तीनों जो खड़ा मसाला है वो मैंने डाल दिया है। इसके बाद सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी हल्दी। तो सबसे पहले जैसे ही ये टटक जाता है, जो मसाला डाला मैंने अभी, मेथी डालना, धनिया और राई, जीरा और राई। ये देखो मेरे हाथ भी ऐसे पीले पीले हो गए। तो फ्लेम को कर देते हैं कम, और जो हल्दी है वो डालते हैं। हल्दी मैंने डाल दी है कैमरे के ऊपर, इसकी जो भाप है वो आ गई। हल्दी मैंने घी में डाल दी है, इसको करीब 2 मिनट तक अपन इसको भुनेंगे। अच्छी तरह से घी में अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाए, तब तक अपने को चलाते जाना है इस तरह से। ये प्रोसीजर अपने को रखना है 2 मिनट तक। हल्दी को डाले हुए मेरे को करीब 2 मिनट हो गए हैं। तो इसके अंदर आप डाल देते हैं पेस्ट, धनिया, सॉरी लहसुन का और अदरक, इसको भी अच्छी तरह से मेल्ट कर देते हैं। करीब 2 मिनट तक इसको भी अपने को इसमें रखना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अभी से, इसकी खुशबू स्टार्ट हो गई है। पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है इसमें, अभी पानी बिल्कुल नहीं डालना है आपको। 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देते हैं, 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, उसके बाद देखते हैं। लहसुन और अदरक के पेस्ट को डाले हुए करीब 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट बाद में देख लेते हैं, सब्जी ने घी छोड़ दिया है, हल्दी ने घी छोड़ दिया, सब्जी अभी तैयार नहीं हुई है, सब्जी नहीं बोल सकते इसको, अभी कच्ची है हल्दी।
अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, कटा हुआ प्याज डाल देंगे इसके अंदर। आप चाहें तो क्रश भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे बारीक कट कर सकते हैं, मैंने बारीक कट किया है, मैंने इसको बारीक कट किया है। और अब इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर देंगे इसके अंदर। इसको भी हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो हमारा ये जो प्याज है ये बिल्कुल ही मैश हो जाए और बिल्कुल पता नहीं लगे कि इसके अंदर हमने प्याज भी डाल रखा है क्या। क्रश करते तो ज़्यादा अच्छा रहता क्योंकि क्रश से एकाकार हो जाती है सब्जी और कट में ये छोटे छोटे प्याज के टुकड़े जो हैं दिखने लग जाते हैं। तो ये हो गए हमारे, 5 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। अब हम प्याज को देख लेते हैं, प्याज हमारा बिल्कुल गल चुका है और थोड़े थोड़े पीस इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये लास्ट में ये पीस भी दिखाई नहीं देंगे क्योंकि जब सब्ज़ी बिल्कुल पक के तैयार हो जाती है तब ये पीस भी दिखाई बिल्कुल नहीं देंगे। अब इसके अंदर हम डालते हैं मिर्ची, जो कटी हुई मिर्ची थी वो डाल देते हैं इसके अंदर इस तरह से। इसको भी अच्छी तरह से मेल्ट कर देते हैं इसके अंदर। वैसे ये चिपक जाती है हल्दी, तो उसको अच्छी तरह से चम्मच से इसको उतार देते हैं। देखो कितना अभी से कितनी प्यारी लगने लग गई है, कलर भी बहुत लाल सुर्ख हरा, इसका हरा न पीला सुर्ख है और बहुत अच्छी हल्दी है और हेल्दी है। अब इसके अंदर फाइनली मसाला डालेंगे, सूखा मसाला। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 चम्मच, आधी चम्मच ये मैंने डाल दी इसके अंदर मिर्ची, 2 चम्मच भर के मैं डालूंगी इसके अंदर धनिया और 1 चम्मच डालूंगी नमक, ये पूरी 1 चम्मच हो गई है। और अब इनको मिला देते हैं, सूखे मसाले को मिला देते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। हल्दी तो खुद हल्दी है तो हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है, हल्दी की सब्ज़ी बना रहे हैं तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। देखो कितना प्यारा कलर आ गया है और अभी हमारी सब्जी आधी बन करके तैयार हो गई है। अब 5 मिनट के लिए इसको वापस ढक के रख देते हैं, हो गए हैं। और अब हम हमारी सब्ज़ी जो है चेक कर लेते हैं। वाह देखो कितनी प्यारी सब्ज़ी बन करके तैयार हो रही है। और इसने देखो करीब करीब घी छोड़ दिया है, ये आपको दिख रहा हो तो घी छोड़ना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे दही, ये रहा मेरा दही, और दही को हम लगातार चलाते जाएंगे इसके अंदर, नहीं तो दही फट जाता है। और देखो कलर कितना शानदार आ रहा है, लगातार आपको दही को चलाते जाना है इस तरह से। चम्मच को आपको उल्टी कर लेना है ताकि ये जो दही है इसमें लम्स नहीं बने और दही जो है फटे नहीं, इसलिए ये दही मैंने इसमें डाल दिया है। और ये इस तरह से कुछ बन करके तैयार है। आपको जब तक ये बुलबुले से नहीं उठने लगे तब तक आपको दही को हिलाते जाना है। दही एकदम खट्टा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा नहीं डालना है आपको दही को, ताज़ा दही डालना है। मेरे पास भी आज रात को जमाया हुआ ये ताज़ा दही था, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये देखो अब इसको हिलाते जाना है, जब तक हिलाना है जब तक कि हमारा जो घी है सब्ज़ी जो है घी नहीं छोड़ दे, तब तक इसको हिलाते जाना है, नहीं तो ये जो दही है ये फट जाता है। और इसको हिलाते जाना है इस तरह से जब तक बुलबुले नहीं निकलने लग जाते, बुलबुले मतलब बबल्स स्टार्ट नहीं हो जाते, यानी बहुत अच्छी उकाली नहीं आ जाए, तब तक इसको हिलाते जाना है ताकि जो दही है वो फट करके पानी नहीं दे दे अपने को, क्योंकि फट जाता है तो दही जो है फटने के बाद में पानी छोड़ देता है। और इस तरह से मिलाएंगे तो एकदम हेल्दी के अंदर मिल जाएगा और ये बन जाएगी अपनी एकदम तासीर वाली सब्ज़ी। अच्छी तरह से इसको बॉईल करना है, अच्छी तरह से इसमें उबाली आनी है, इस तरह से ये हो जाएगा। ये सब्ज़ी बहुत तासीर वाली होती है, सर्दियों में इसको खाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी शुरू होते ही ये सब्ज़ी आने लग जाती है मार्केट में। और अगर आप चाहें कि आप घर की हल्दी आप बाज़ार से पाउडर न ला करके, जो अभी सर्दियों में जो हल्दी आती है कच्ची हल्दी, इसको सुखा लीजिए और घर में ही सुखाने के बाद में जो इसकी गांठ बन जाती है उसको आप मिक्सी से पीस सकते हैं और आपकी घर की जो हल्दी है वो बन करके तैयार हो जाती है। इस तरह से हमारा जो दही है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है इसके अंदर। अब थोड़ी सी देर इसको और हिलाते हैं, अब देखो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और जो घी है वो जगह जगह से दिखने लग गया है। ये देखो इधर से यहाँ से घी दिखने लग गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो दही था वो बिल्कुल इसके अंदर मेल्ट हो चुका है। अब डालेंगे हम ये मटर, जो हमने करीब 100 ग्राम के आसपास तो होंगे ही होंगे, इतने अपन इसमें मटर डाल देते हैं। मटर को मिला देती हूँ। वाह क्या शानदार कलर आ रहा है हल्दी की सब्ज़ी का,
इससे इतनी देर पकाने से ये क्या है कि अलग अलग चीज़ पकाने से हम एक साथ भी डाल सकते थे, लेकिन जो हल्दी का जो कच्चापन है ना वो निकलता नहीं, इसलिए हमने हर 5 मिनट हर चीज़ के लिए 5 मिनट दी है और 5 मिनट बाद में ये मेल्ट हो जाती है इस तरह से, इसलिए ये थोड़ा सा अब इसके बाद हम इसको ढक के रख देते हैं फिर 5 मिनट के लिए। ये हमने फिर 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया है, 5 मिनट उतार रही हूँ। इस तरह से छिलका उतारना है और एकदम बारीक बारीक कट करके लास्ट में सबसे लास्ट में छिलका को टमाटर डाल उतार दिया है ये देखो, और ये बिल्कुल बारीक बारीक कट करके मैंने डाल दिए हैं। और अब चेक कर लेते हैं, करीब 5 मिनट डाले हुए मेरे को जो मटर है वो डाले हो गए, अब जो घी है वो छोड़ दिया है और अब हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर का। आप पेस्ट भी बना सकते हैं, कट करके भी डाल सकते हैं। पेस्ट बनाने से एकदम से घुल जाता है और कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैश करना है आपको इस तरह से, इसको अच्छी तरह से मैश कर दें, जहाँ पे आपको लगता है सब्ज़ी चिपक रही है वहाँ से चम्मच से इस तरह से इसको उतार दें सब चम्मच से। हल्दी की हेल्दी सब्जी तैयार हो रही है, हमारी जो भारतीय किचन है उसके अंदर ही रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा है भारतीय किचन में, क्योंकि इसमें मेथी दाना जो होता है वो शुगर से लड़ाई करता है और भी अन्य चीज़ें जो हैं वो शुगर से लड़ने की क्षमता रखते हैं, और जो जीरा है हमारे लीवर को जीरा और राई ये हमारे लीवर को सफाई करते हैं। अभी मैंने तेल जो है तेल अलग अलग तेल खाने चाहिए, मैं कभी कोकोनट का उसका सॉरी उसका मूंगफली का लेके आती हूँ, कभी सरसों का, और बदल बदल के तेल खाते हैं, तो अच्छी क्वालिटी का आप तेल लेकर के आएँ वो जो हेल्दी रहेगी। ये जो सब्ज़ी बन रही है ये बिल्कुल घी में बन रही है, तेल में नहीं बनाते हैं इसको, क्योंकि इसमें अब 4-5 दिन तक इसको लगातार खा सकते हैं और इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में बहुत ही शानदार तरीके से बनाई जाती है और खाई जाती है। एक बार मैं वापस दिखा देती हूँ, ये देखो सब्ज़ी बन रही है और इसको वापस ढक के रख देते हैं, तब तक अपने मटर भी तैयार हो जाएंगे और जो लास्ट में जो डाला है हमने टमाटर वो भी तैयार हो जाएगा। तो टमाटर डाले हुए करीब 5 मिनट हो गए हैं, अब देख लेते हैं। वाह, सब्जी ने घी छोड़ दिया है अच्छी तरीके से, इसको थोड़ी सी और पका लेते हैं क्योंकि इसने घी छोड़ा ही है, अभी थोड़ा थोड़ा ही छोड़ा है, पूरा घी नहीं छोड़ा है, तो अच्छी तरह से इसको मिला करके एक बार 5 मिनट के लिए फिर बंद कर देते हैं। जो चिपक गई है उसको अच्छी तरह से उतार लें, आराम से जीवे में उतर जाएगी ये, अच्छी तरह से मिला दो उसको इस तरह से। टमाटर भी हमारे पक गए हैं करीब करीब 5 मिनट के लिए, हम एक बार और पकाते हैं। अब देख लेते हैं सब्जी। वाह, बिल्कुल ही घी छोड़ दिया है सब्जी ने और हमारी सब्जी बन करके बिल्कुल पक करके तैयार है, और ये बनी है बिल्कुल हेल्दी सब्जी, न इसमें हमने पानी डाला है और कुछ भी इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं डाली है, और देखो दही भी कहीं नज़र नहीं आता, न प्याज और न टमाटर, ये देखो थोड़ा सा टमाटर का पीस, ये भी इसको चालू छोड़ देंगे बंद करके, थोड़ी ढक के रख देंगे इसके अंदर, तो ये बन करके तैयार है। अब इसके अंदर डालते हैं लास्ट और फाइनल धनिया, धनिया की पत्तियाँ, और इसको मिला करके रख देते हैं। अब देखो ये बन करके तैयार है अपनी हेल्दी सब्जी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको कोई भी और सब्जियों की रेसिपी चाहिए या किसी भी राजस्थानी जो सब्जियां हैं उनके बारे में जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उसका भी एक वीडियो अलग से बना सकूँ। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार रेसिपी के साथ में। बाय बाय।